1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर के भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया है। 1947 में जब पाकिस्तान के हमलावरों ने एक अप्रत्याशित हमला शुरू किया तो यह वायुसेना ही थी जिसने श्रीनगर को हमलावरों से बचाने के लिए यह सुनिश्चित किया कि भारतीय सैनिक और उपकरण युद्ध के मैदान तक समय पर पहुंच जाए। वायुसेना ने 1965 में भी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। 1971 बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई को कौन नहीं जानता है। 1999 करगिल के घुसपैठियों के कब्जे से मुक्त कराने की भी वायुसेना की भूमिका अहम रही। टाइगर हिल में दुश्मनों के ठिकानों पर रात दिन बमबारी कर वायुसेना ने उन्हें धूल चढ़ा दी। राहत एवं बचाव कार्य हो या फिर आपदा प्रबंधन, हमारे एयर वॉरियर्स उनके सराहनीय कार्य को लेकर देश वायुसेना के प्रति कृतज्ञ है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ।